बिलासपुर में कर्मचारी संगठन ने राज्य स्तरीय साधारण अधिवेशन का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 11 जिलों के कर्मचारियों ने भाग लिया। बिलासपुर में कर्मचारी संगठन एनजीओ फेडरेशन का राज्य स्तरीय साधारण अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 11 जिलों के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर एनजीओ फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता विनोद कुमार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के हित में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब राज्य पर आधारित वेतन और भत्तों को लागू करने की सिफारिश वेतन आयोग से की गई थी। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि शीघ्र कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया जाए। कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में जो है वो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट है, केंद्रीय वेतन मान आयोग। देखिए 2016 में रिपोर्ट आई है और अभी तक सरकार ने उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाई है कि कर्मचारी पूर्व में हम लोग पंजाब से संबंध थे, परंतु आज पंजाब की स्थिति कुछ अदरवाइज है। जब पे स्केल पंजाब का हुआ था और आज की स्थितियाँ अलग अलग है, तो आज हम प्रदेश के कर्मचारियों से भी आग्रह करेंगे कि हम क्यों ना अब इस पर लंबा जाएं और 7th पे कमीशन की रिपोर्ट लॉकर सरकार पर दबाव बनाएं।